हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राजटेक। आज हम देखेंगे कोविड-19 का जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, तो वो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे डाउनलोड करें। तो अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। तो ये वेबसाइट पे आपको आना है। आने के बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मतलब वैक्सीन देने के टाइम पे जो रजिस्टर्ड नंबर आपने प्रोवाइड किया वही नंबर इसमें देना पड़ेगा। तो मेरा नंबर मैं दे देता हूँ। तो मोबाइल नंबर देने के बाद गेट ओटीपी में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, एक ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। आपको भी मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड उसमें चला जाएगा। तो देखिए, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस है, क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक कर देता हूँ। तो देर के बाद इधर देखिए, मेरा पूरा डिटेल्स आ गया, नेम एंड जो भी डिटेल्स है, रेफरेंस आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें इसमें शो भी हो रहा है मेरा फर्स्ट वैक्सीन कब हुआ और सेकंड वैक्सीन का जो डेट है वो कब है। तो मैं सिंपली इसमें, और इसमें वैक्सीन का नाम भी है कौन सा वैक्सीन आपको दिया है। तो कोविडशील्ड मेरे को दिया गया है। तो सिंपली मैं सर्टिफिकेट में क्लिक कर देता हूँ। तो सर्टिफिकेट में क्लिक करने के बाद देखिए, एक पीडीएफ फाइल है, certificate.pdf, ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं सिंपली ओपन कर देखता हूँ। तो देखिए, इसमें मेरा पूरा नेम है, और इसमें जो मेरे को अच्छा लगा, इसमें वैक्सीन का नाम के साथ साथ सेकेंड डोज का जो डेट है वो इसमें क्लियरेंस है, कौन सा डेट से कौन सा डेट के बीच में आपको देना पड़ेगा। देखिए, मेरा नेक्स्ट ड्यू डेट बिटवीन 21 अगस्त 2021 से 18 सितंबर 2021, इससे बीच में मेरे को सेकेंड जो वैक्सीन है वो देना पड़ेगा। और वैक्सीन का इस प्लेस भी इधर शो हो रहा है, और किसने वैक्सीन आपको दिया है वो भी इसमें शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कैसे वैक्सीनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो कमेंट पिन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसे जाकर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए।